हेलो फ्रेंड्स, NISM ट्यूटोरियल्स में मैं सौरभ खटी आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमने वीडियोस बनाए हुए हैं मॉक टेस्ट के बारे में, वो चैप्टर वाइज बनाए थे। चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 के अलग अलग वीडियोस हमने बनाए थे। अभी हमने डिसाइड किया है कि ऑल यूनिट्स के जो मॉक टेस्ट है वो एक साथ बनाया जाए। तो ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड है। इसमें आपको सारे मतलब किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में क्वेश्चन नहीं है, तो ये कहीं और सारे चैप्टर में से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी, उनको बता दूं कि हम एक ये मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, उसके बाद चार ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। आपको समय दिया जाएगा कि आपको ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर है, आपको जो लगता है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद में मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो आंसर सही क्यों है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बाकी के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो सही क्यों नहीं है। सो ये जो मॉक टेस्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए। कोई भी सवाल हो, आपको अगर सवाल पूछा गया तो नॉट ओनली वो आंसर, बट उसके आजू बाजू का जो ओवरऑल टॉपिक है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस हेतु से, इस उद्देश्य से हमने ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं NISM का म्यूचुअल फंड का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल गेन और लॉसेस फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड आफ्टर अ होल्डिंग पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स और मंथ। ऑप्शन नंबर 1, 1 ईयर। ऑप्शन नंबर 2, 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3, 3 ईयर्स। एंड ऑप्शन नंबर 4, 24 मंथ्स। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 3 ईयर्स। ठीक है, अभी देखिए ये सवाल जो है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो सवाल है, ये टैक्सेशन के बारे में सवाल है। सवाल में क्या पूछा गया है कि डेट म्यूचुअल फंड, देखिए एग्जाम में हमारे पास में काफ़ी समय होता है, तो हमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ना है। तो डेट म्यूचुअल फंड के बारे में सवाल पूछा गया है। क्या सवाल है कि डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है वो कब लगता है? गेन पे या लॉसेस अगर होते हैं तो लॉन्ग टर्म कब कैलकुलेट किया जाता है? लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए? सो डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए ये 3 साल का है, ये हमें याद रखना है। डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म 3 साल का, मतलब 3 साल तक शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद में लॉन्ग टर्म शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये वैसा ही क्वेश्चन है, कैपिटल गेन्स और लॉसेस फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड आफ्टर अ होल्डिंग पीरियड ऑफ। चूज योर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, 1 ईयर। ऑप्शन नंबर 2, 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3, 3 ईयर्स। एंड ऑप्शन नंबर 4, 24 मंथ्स। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 1 ईयर। सो डेट म्यूचुअल फंड के लिए 3 साल, 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद में लॉन्ग टर्म। इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए ये 1 ईयर का समय होता है। विद इन 1 ईयर इट इज कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म। उसके लिए अलग टैक्सेशन होता है, उसके नियम अलग होते हैं। आफ्टर 1 ईयर के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के लिए अलग नियम है। हम जब क्वेश्चन आएंगे उसके बारे, उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म 3 साल के पहले, लॉन्ग टर्म 3 साल के बाद। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद में लॉन्ग टर्म। नाउ मोर इम्पोर्टेंटली, आपको सवाल में अगर आपको कन्फ्यूज करना है उनको, तो पूछेंगे कि 365वां दिन जो है, 365th डे जो है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? हमने क्या अभी बात की, 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद में लॉन्ग टर्म। सो 365वां दिन जो आखिरी दिन है साल का, उसे हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। तो आईटी रूल्स में,
डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स रूल्स में, अप टू 1 ईयर इज शॉर्ट टर्म, मतलब 365वां दिन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म। 365वां मतलब 366th डे जो है वो इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन इज लीस्ट इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड, ऑप्शन नंबर 2 शेयर्स, ऑप्शन नंबर 3 बैंक डिपॉजिट्स एंड ऑप्शन नंबर 4 रियल इस्टेट। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रियल इस्टेट। अभी देखिए सवाल क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन सबसे कम किस में होता है ये ऑप्शन में से। तो देखिए गोल्ड जो है वो आप पर्टिकुलर 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम में खरीद सकते हैं, शेयर्स भी एक स्टैंडर्डाइज असेट क्लास है, बैंक डिपॉजिट्स भी एक स्टैंडर्डाइज असेट क्लास है, रियल इस्टेट जो है एक सबसे पहला तो उसका जो भाव है वो हर जगह अलग अलग है, ठीक है, सो स्टैंडर्डाइजेशन के पहले नियम पे ये खरा नहीं उतरता है। दूसरा, इसका जो प्राइस है वो तय कौन करेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन ओवरऑल रियल इस्टेट में सबसे कम होता है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है ये रियल इस्टेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ सेकंड वायोलेशन इज प्रूव्ड देन एम्फी रजिस्ट्रेशन इज, ऑप्शन नंबर 1 केप्ट ऑन होल्ड, ऑप्शन नंबर 2 कैंसल्ड, ऑप्शन नंबर 3 सस्पेंडेड एंड ऑप्शन नंबर 4 नो एक्शन एज एम्फी इज नॉट अ SRO सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कैंसल्ड, ठीक है। सो अभी देखिए सवाल में ये पूछा गया है कि ये बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सवाल है, अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कुछ गलत प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जब मार्केट में जाके कुछ म्यूचुअल फंड जब बेच रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं लोगों को, सेल कर रहे हैं, उस वक्त में अगर उन्होंने कुछ झूठ बोला या कुछ और प्रॉब्लम उन्होंने कुछ तो भी सही नहीं किया एमएफआई के गाइडलाइंस के अनुसार, तो पहली बार तो एमएफआई वार्निंग देके छोड़ देती है। अगर दूसरी बार, यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि दूसरी बार सेकंड टाइम अगर ये वॉयलेशन होता है और वो प्रूव हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने गलती की है, डिस्ट्रीब्यूटर ने झूठ बोला है या एमएफआई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है, तो उस केस में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन को, एमएफआई रजिस्ट्रेशन जो है, एमएफआई का लॉन्ग फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, आपको जब आप एग्ज़ाम पास हो जाएंगे ये तो आपको खुद को एमएफआई के पास में रजिस्टर करना होता है। एमएफआई आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है जिसको ARN नंबर बोलते हैं, तो वो जो ARN नंबर है वो अगर आप दूसरी बार पकड़े गए वॉयलेशन करते वक्त में और वो प्रूव हो गया तो उसे कैंसल कर दिया जाता है। इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि आप इसके बाद में म्यूचुअल फंड कभी भी एडवाइस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से काम करना है, जो एमएफआई के गाइडलाइंस है वो पढ़ के उसे प्रॉपरली फॉलो करके इन्वेस्टर्स के हित में हमें काम करना है, ऐसा एमएफआई भी चाहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर 1 क्रिसिल, ऑप्शन नंबर 2 केयर, ऑप्शन नंबर 3 CDSL एंड ऑप्शन नंबर 4 फिच। चूज योर ऑप्शन। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 CDSL। सो CDSL जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये डिपॉजिटरी है, आप जहाँ पे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के लिए हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज है, एक है NSDL और दूसरा है CDSL, ठीक है। तो CDSL का लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सो दिस इज CDSL,
सीडी असल ये डिपॉजिटरी है, यहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आप किसी के थ्रू भी जाते हैं, शेर खान, आनंद राठी, ICICI सिक्योरिटीज, तो यहाँ पे जाने के बाद में एक तो CDSL के पास में आपका डीमैट अकाउंट खुलता है या NSDL के पास में खुलता है, बाकी के जो बचे तीन है जैसे कि क्रिसिल है, केयर है और फिच है, ये सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है, तो जो भी इश्यूज आते हैं डेट मार्केट में या इक्विटी के ऊपर में रिसर्च करना और डेट के लिए जो क्रेडिट रेटिंग करना, विदाउट क्रेडिट रेटिंग कोई भी इशू सेबी के नियमानुसार ला नहीं सकती कोई कंपनी। सो ये जो तीन है, क्रिसिल, केयर, फिच और एक है इकरा, ICRA, ये चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ RTA इज डन बाय द AMC, चूजर ऑप्शन ट्रू और फॉल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। अब ये आपको याद रखना है कि किसे कौन अपॉइंट करता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो RTA लॉन्ग फॉर्म है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इसे कौन अपॉइंट करता है, तो इसे असेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्कीम ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई द AMC, ट्रू और फॉल्स, चूजर ऑप्शन ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। स्कीम के ऑडिटर को AMC अपॉइंट नहीं करता है, स्कीम के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं, स्कीम ऑडिटर को ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। AMC ऑडिटर्स इज अपॉइंटेड बाय द, पहला इसके पहले का क्वेश्चन था कि स्कीम के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बराबर है, अभी AMC के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रस्टीज, ऑप्शन नंबर 2 AMC, ऑप्शन नंबर 3 सेबी एंड ऑप्शन नंबर 4 यूनिट होल्डर्स, चूज योर ऑप्शन ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC ऑडिटर जो होते हैं उनको AMC खुद अपॉइंट करती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कस्टोडियन इज अपॉइंटेड बाय ट्रस्टीज, ट्रू और फॉल्स, चूज योर ऑप्शन ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू, कस्टोडियन जो होते हैं उसे अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज। ठीक है, सो ये भी आपको, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद करनी है, तो कस्टोडियन को ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स, चूज योर ऑप्शन ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। देखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने के लिए सेबी की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट होता है, तो सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड की एग्जाम पास करेगा, उसके बाद में खुद को म्यूचुअल फंड के साथ में AMC के साथ में रजिस्टर करेगा। ठीक है, एमफी के पास में रजिस्टर करेगा और एमफी फिर ARN नंबर देगी। डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्टली सेबी के साथ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है सेबी के साथ में, तो अप्रूवल लेने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, आपका
लाइक ही रियल मोटिवेशन है इन वीडियो के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम जो ये हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ चला रहे हैं इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, और कौन से टॉपिक्स है, और कौन सी एग्ज़ाम्स है इस जिसके मॉक टेस्ट के वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ, ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून. थैंक यू वेरी मच.